चंडीगढ़ भारत का एकमात्र प्लान सिटी जो कि भारत का सबसे वेल्थीएस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ अपनी शानदार अर्बन डिजाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन द्वारा चंडीगढ़ को इंटरनेशनली ट्रेड और कॉमर्स के रूप में कनेक्ट करने के लिए 2015 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को प्लान किया। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2020 में बनाकर पूरा किया जाना था बट आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइए चंडीगढ़ के इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़ी सभी अपडेट्स और मास्टर प्लान को देखते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मिक्स्ड ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर के रूप में प्लान किया गया है चंडीगढ़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मोहाली एरो सिटी में 8 एकड़ एरिया में प्लान किया गया। प्लानिंग के तहत 6 टावर्स को बनाया जा रहा है जहां 8 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स होगी, फूड कोर्ट एरिया होगा, टेरेस गार्डन होगी, रिटेल एंट्रेंस होगा, प्लाजा, पार्किंग, रेसिडेंशियल यूनिट, पूल, बंकेट हॉल, 3 ट्रेड टावर, 1 सूट और 1 सिग्नेचर टावर्स को प्लान किया गया। सभी 3 ट्रेड टावर 13 फ्लोर की होगी जहाँ पे टेरेस पर बहुत ही सुंदर सी एक गार्डन होगी। वही सिग्नेचर टावर 33 मंजिला बिल्डिंग होगा जो कि इस पूरे रीजन की सबसे टॉलेस्ट टावर भी होगी। बताया जाता है कि चंडीगढ़ ट्रेड टावर को पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमिक गतिविधि को तेज करने के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए 2015 में प्लान किया गया था, जो कि चंडीगढ़ में लैंड ना मिलने की वजह से मोहाली शिफ्ट कर दिया गया और फाइनली सितंबर 2018 को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लॉन्च करते वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की डेडलाइन दिसंबर 2020 रखी गई थी। हालांकि दो डेडलाइन अभी तक मिस कर गई है और अब इसकी डेडलाइन 2025 दिसंबर की। मैं यहां पे बताना चाहूंगा इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंतर्गत जो 3 टावर बनाए जा रहे हैं, पहला टावर 2023 एंड तक बनकर तैयार होगा, दूसरा टावर मिड 2024 तक तैयार होगा, तीसरा टावर दिसंबर 2024 तक होगा। वहीं सिग्नेचर टावर जो कि इस पूरे रीजन की टॉलेस्ट टावर होगी उसे दिसंबर 2025 तक कंप्लीट किया जा सकेगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 6 एंट्री और 6 एग्जिट पॉइंट को भी बनाए जाएंगे, साथ ही साथ इसके आसपास में चौड़ी चौड़ी सड़कें होगी। बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे रीजन को विकसित किया जाएगा जो कि पंजाब के ट्राई सिटी के नाम से मशहूर चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला सहित पूरे पंजाब हरियाणा के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सहयोग मिलेगा, नए नए रास्ते खुलेंगे। ऐसे में आप इस ट्रेड टावर को कैसे देखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब यहाँ पर बात आती है कि चंडीगढ़ को ही क्यों चूज किया गया। तो बेसिकली चंडीगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वेल्थीएस्ट के मामले में भारत का सबसे शानदार प्लेस है और इसीलिए इसे चंडीगढ़ में ही प्लान किया। हालांकि इसे मोहाली शिफ्ट करना पड़ा बट चंडीगढ़ एयरपोर्ट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। अब मैं इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा डेवलपर और आर्किटेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका फंडिंग कौन कर रहा है और कब तक बनकर तैयार होगा। बेसिकली चंडीगढ़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वर्डियन रेड रिफ्लेक्ट द्वारा डेवलप कर रही है जिसका आर्किटेक्ट एफजीएल आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन द्वारा फंड कर रही है और 2025 तक पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी या पूरा एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार होगा। ऐसे में आप इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।